हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली टाइम्स विद जोहान सिस्टर्स। तो आज है बहुत 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 स्पेशल दिन हमारी फैमिली के लिए। आज मतलब हम लोग आज के दिन हम लोगों ने एक फर्स्ट स्टेप लिया था अपने एक नई जर्नी के लिए। एक्चुअली आज हम लोगों ने एक फर्स्ट स्टेप लिया था एक न्यू जर्नी के लिए। आज मार्ट को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो आज ही के दिन हम लोग का मार्ट ओपन हुआ था, ऑल इन वन सुपर मार्ट, और आज 1 साल कंप्लीट हुआ है। तो उसके लिए हम लोग एक पूजा रखी है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत 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 खुश हूँ, मतलब जो हम लोगों ने चाहा था इतने टाइम से वो आज ये दिन कंप्लीट हुआ था, और बस पलक झपकते ही 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोगों ने छोटी सी पूजा रखी है, तो आप लोगों को ले चलते हैं और थोड़ा बताती हूँ मतलब आज के लिए हम लोगों ने क्या सोचा था, क्या होगा, मतलब कैसे ये हमारा अचीवमेंट हुआ है, कैसे हम लोग ये मतलब ओपन कर पाए। बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। खैर, ये सब बातें मैं आपको वहाँ जाके पहुँच के करूँगी। बहुत लेट हो चुके हैं, भाई वगैरह सब पहुँच चुके हैं और से हमारा वेट कर रहे हैं। मैंने सोचा ब्लॉग को स्टार्टिंग कर देती हूँ, आप लोगों को भी साथ मिल जाती हूँ। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए लेके चलती हूँ, बहुत लेट हो गई वरना चिक 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 लड़ाई हो जाएगी मेरी सुबह सुबह। तो चलते हैं। तो मैंने सोचा अब थोड़ा टाइम मिला है तो अपनी जर्नी, अपने ड्रीम के बारे में कुछ डिस्कस कर दूँ। एक्चुअली हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम लोगों को कुछ ओपन करना है। मेरा तो खास तौर था कि मुझे मतलब अपना कुछ बिजनेस सेटल करना है, और बैंगलोर में वो चीज़ नहीं हो पा रही, क्योंकि मुझे एक चीज़ का सपोर्ट चाहिए था जो नहीं हो पा रहा, जो सपोर्ट मुझे यहाँ मिल रहा था। तो पापा ने मुझे बोला कि करेंगे, यही करेंगे, लेकिन बस प्रॉब्लम यही हो जाती थी कि मैं रहती थी बैंगलोर में और यहाँ आती थी साल में 2 बार, और उसके बाद उस टाइम पीरियड में सिर्फ क्या होता था, प्लानिंग, और फिर मेरा वापस जाना होता था, वो प्लानिंग, फिर जब मिलते थे फिर प्लानिंग। तो मतलब ये चीज़ ना प्रोसेस एक्चुअली आई थिंक 2-3 साल से चली रही थी, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो थी कि मुझे कुछ करना है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर आया लॉकडाउन, जब सब कुछ लॉक हो गया लिटरली, और फिर उसके बाद जब मेरा यहाँ पे आ गई, उसके बाद मेरे पापा को ज़्यादा थोड़ा मतलब सबको बोला, दीपू को बोला, बात किया, कुछ तो करना है यार अभी ये टाइम है। तो मतलब हम लोग को फैमिली के संग टाइम मिला, हम लोगों ने प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ पाए क्योंकि वो लॉकडाउन था, तो हम लोग को काफ़ी टाइम मिल गया स्पेंड करने के लिए। तो स्टेप दूसरे पे गया और वो इम्प्लीमेंट हो गया कैसे, जैसे बहुत चीज़ थी मतलब जो प्रॉब्लम फेस की हम लोगों ने, बहुत बहुत कुछ हुआ इस जर्नी में, इस प्रोसेस में एक्चुअली। तो और दीपू ने बहुत बहुत मेहनत की और घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए बोलते हैं जब 5 उंगले सब एक संग मिल जाते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। वही हुआ, सबके सपोर्ट से फाइनली ये ओपन हुआ आज के दिन, और आज 1 ईयर कंप्लीट कर दिया। वैसे मैं सोच रही हूँ इस वीडियो में दीपू को लेकर आऊँ और उसकी कुछ बातें करूँ, लेकिन वो नहीं करेगा आई थिंक, बट आई विल ट्राई, लेट्स सी। ये बेचारा ढूंढे ठिकाना। तो तुम्हें आज दीपू कैसा फील हो रहा है? और डालूंगी, मैंने सोचा दीपू को वीडियो में लेकर आती हूँ, उससे कुछ मिलवाती हूँ, उसको आपसे मिलवाती हूँ, कुछ गुप्त शुप्त करती हूँ। लेकिन उस देखा आपने कैसे करके चला गया, बोला इस वीडियो को मैं डालना, बट मैं उसको पार्ट डालूंगी। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन, अब इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।